काटने नाक काटने हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर है, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी है, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष हैं, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम। इस तरीके से एटा राजारामपुर का है, कासगंज का। इसी प्रकार से हिंदू जागरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते चप्पल से पीटने की धमकी दी। इसी तरीके यह है स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके खत्म कर दो। यह है इनका असली चरित्र है। और यही साधु संत, तथाकथित साधु संत कहते हैं कि मौर्य जी हमको आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। अगर आतंकवादियों का व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवादी हो, अपराधियों का व्यवहार करोगे तो सही मायने में आप अपराधी हो।